जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों राजस्थान होमगार्ड भर्ती में जो मूल्यांकन होता है, जिसके अपने को नंबर मिलते हैं ना, जैसे भाई कोई RSCIT है, कोई ITI कर रखा है, कोई NCC वाला है, कोई स्काउट वाला है, तो इनको किस प्रकार से कितने कितने नंबर मिलते हैं उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। कोई लाइसेंस है तो उसका भी नंबर मिलता है, बहुत सारे डिग्री डिप्लोमा रहते हैं उनके नंबर दिए जाते हैं आपको, और अधिकतम 20 नंबर तक का फायदा ले सकते हैं अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं तो इसी की हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में दोस्तों। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहां पे आपको दिख रहा होगा ओमवी रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे, फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवी रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, इसके नंबर मिलते हैं तो किस हिसाब से नंबर मिलते हैं आपको? अधिकतम 20 नंबर का मूल्यांकन होता है तुम्हारा, तो उसमें देख लेते हैं। अच्छा, अब देखो, राजस्थान होमगार्ड भर्ती डिग्री डिप्लोमा का मूल्यांकन होता है 20 नंबर का, यानी कि आपको 20 नंबर तक मिल सकते हैं अगर आपके पास ये डिग्री डिप्लोमा है तो। अब देखो, सबसे पहला चरण तुम्हारा होता है दौड़, वो दौड़ 25 नंबर में आता है तुम्हारा, दौड़ होगा। और भाई लड़कों का बीम काटने के हैं 10 नंबर, तो समझ रहे हो, और भैया दौड़ के नंबर हैं, दौड़ के तो समान हैं, जितने जितने नंबर आएगा उतने उतने मिनट की है ये, तो 1 किलोमीटर की होती है पूरम पट, उसमें मिनट हैं, उस हिसाब से आपको नंबर मिलते रहेंगे। और फिर बीम लगानी है, 10 बीम लगाओगे तो 10 नंबर, 7 लगाओगे 7 नंबर, 5 लगाओगे 5 नंबर। और लड़कियों को बीम नहीं लगानी है, लड़कियों को गोला फेंकना है, 4 किलो का गोला है, अगर आप 16 फिट तक फेंकते हो तो आपको 10 नंबर मिलते हैं, और भाई 14 फिट फेंकते हो, 15 फिट फेंकते हो, तो उस हिसाब से आपको नंबर मिलते जाते हैं, समझ रहे हो। तो लड़कियों को तो गोला फेंकना है 4 किलो का, कोई भी पत्थर ले लो और प्रैक्टिस कर सकते हो 16 फिट 17 फिट फेंकने की। और जो लड़के हैं उनको 10 बीम लगाने के 10 नंबर मिलते हैं, और दौड़ होती है, और फिर बाकी के जो नंबर हैं वो तुम्हारे मूल्यांकन में भी मिलते हैं। 5 नंबर का तुम्हारा साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, 20 नंबर का मूल्यांकन, 25 और 25 नंबर का फिजिकल, 50 नंबर का पूरा सिस्टम होता है। अब मूल्यांकन में देखो किस प्रकार से आपको नंबर मिलेंगे। जो भी भाई बहन है होमगार्ड की तैयारी कर रहा है, रेस रास कर रहा है, पिछली जो भर्ती निकली थी उसका फिजिकल वगैरह 2024 में होने वाला है राजस्थान होमगार्ड का, तो 2024 में होने वाला है, तो आपके पास अगर ये सर्टिफिकेट हैं तो आप नंबर कमा सकते हैं। तो अभी तक आपने ये सर्टिफिकेट नहीं लिए हैं तो कोई लेना चाहे तो ले सकता है। देखो भाई, देखते हैं, NCC तो आप ले नहीं सकते, NCC तो पहले से आपने ले रखी है तो ही होगा, ऐसे थोड़ी है कि आज ही रजिस्ट्रेशन करवा दोगे NCC के लिए, नहीं, वो तो पहले से है तो आप फायदा ले सकते हो। NCC में अगर सी सर्टिफिकेट है किसी के पास, सी मिलता है कॉलेज में, तो 6 नंबर मिलेंगे, बी है तो 4 नंबर मिलेंगे, ए सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर मिल जाएंगे, ये तो है NCC का फायदा, ठीक है साहब। और ऐसे मत करना कि साहब ए और बी दोनों है, नहीं ऐसे नहीं होता है, सी है तो 6, बी है तो 4, ए है तो 2 मिलेंगे, ठीक है जी। अब कोई स्कूल तक ही है, 12वीं तक ही पढ़ा है, कॉलेज में NCC नहीं मिली उसको, तो उसके पास तो ए बी रहेंगे बस, सी तो कॉलेज में मिलेगा, ठीक है जी। स्काउट भी अगर किसी ने कर रखी है तो उसके भी नंबर मिलते हैं, कोई भी भाई बहन अगर स्काउट लिया हुआ है पहले तो उसको भी नंबर मिलते हैं, अगर कोई स्काउट में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुआ है तो 4 नंबर मिल जाएंगे, अगर कोई राज्य में पुरस्कार लिया है तो 3 नंबर मिल जाएंगे, और केवल स्काउट को पास किया है उसने, सर्टिफिकेट ले लिया स्काउट का, तो उसको 2 नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। ये तो हो गई ये बात। अब खिलाड़ियों के लिए है, अगर कोई भी भाई बहन खेल का सर्टिफिकेट रखता है अपने पास, राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसने खेला हो तो 4 नंबर मिलेंगे आपको, और अगर कोई राज्य स्तर पर खेला हो तो 2 नंबर, जैसे मान लो राजस्थान में आपने खेला है कहीं भी कोई टूर्नामेंट में, कॉलेज में, स्कूल में, कोई भी अपने राज्य लेवल पे, तहसील स्तर पे, जिला स्तर पे आपने खेला है तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है साहब।
अब बात करते हैं RSCIT की। अगर आप RSCIT करते हो, अब भी अगर आप करते हो, पहले आपने नहीं की लेकिन अब आप RSCIT कर लो, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे सीधे सट। और अगर कोई RKCL का कोई डिप्लोमा करता है, जैसे वो होते हैं ना प्रधानमंत्री कौशल विभाग से, कौशल स्किल वाले वो चलते रहते हैं डिप्लोमा, उसमें से अगर आपने किसी ने डिप्लोमा कर रखा है तो 4 नंबर मिल जाएंगे। और ये डिप्लोमा अब कर सकते हो आप, जी हाँ दोस्तों, अब भी आप कर सकते हो। RSCIT का कौन सा क्या सिस्टम है, कभी भी कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन चालू है तो आप करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हर 3 महीने बाद रजिस्ट्रेशन चालू होते रहते हैं। और फायरमैन का अगर किसी के पास डिग्री डिप्लोमा है तो उसको 3 नंबर मिल जाएंगे। और अगर कोई भी भाई बहन ITI कर रखा है तो उसको भी 3 नंबर मिल जाएंगे साहब। ITI चाहे कोई सी भी हो, इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, मैकेनिकल हो, डीजल हो, समझ रहे हो, कोई सी भी ITI हो, कोई सी भी ट्रेड से हो, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे जी। अच्छा, अगला है लाइसेंस। लाइसेंस को आप अब भी बनवा सकते हो। अगर आप LMV बनवाते हो, तुरंत बनने वाला लर्नर, जो इसको हम बोलते हैं ना लर्नर लाइसेंस, समझ रहे हो, लाइट मोटर व्हीकल, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। और HMV हैवी मोटर व्हीकल आपका है तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो भैया आप तुरंत भी लर्नर लाइसेंस बनवा सकते हो, चाहे आज ही जाकर के बनवा सकते हो RTO ऑफिस में, तुम्हारे जिले में RTO ऑफिस है, वहां जाके आप बनवा सकते हो। 2 नंबर तो सीधे कमा गए ये, और भैया 4 नंबर RSCIT करते ही ये कमा जाओगे, 6 नंबर तो आप आराम से कमा लोगे। ठीक है साथियों, तो ऐसे आपको टोटल 20 नंबर ही मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा। ऐसे नहीं है कि साहब मेरे पास NCC का C सर्टिफिकेट है तो 6 नंबर भी मिल गए। फिर तुम कहोगे स्काउट भी है मेरे पास तो आपको 2 नंबर, मान लो स्काउट ये उत्तीर्ण वाला ही है तो 2 नंबर ये हो गए, कितने हो गए, 6 2 8। फिर कोई कहे मेरे पास खेल का सर्टिफिकेट भी है साहब तो 2 नंबर ये मान लो, कितने हो गए, या 4 मानो तो अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय 4 ये मान लो, कितने हो गए, 10। अच्छा, फिर कोई कहे साहब RSCIT भी कर रखी है मैंने तो 4 नंबर इसके मान लो, ये भी जुड़ गए, कितने हो गए, 14। फिर कोई कहे साहब ITI भी है मेरे पास तो इसके भी मिल जाएंगे 3 नंबर। फिर कोई कहे साहब लाइसेंस भी है हैवी का, उसके भी नंबर मिल जाएंगे। ऐसे कुल मिलाकर के आपको 20 नंबर तक मिल सकते हैं। चाहे सारा ही कर लिया हो, सारा का जुड़ जाएगा, 20 नंबर मिल जाएगा थान, 20 से ज्यादा नहीं मिलेगा फिर। तो ये है इसकी संपूर्ण जानकारी दोस्तों। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।